हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर रोज पाएं शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां। रीट प्रथम सत्र के प्रमाण पत्र आज से मिलेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रमाण पत्र लाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है, आइए हम देखते हैं। अजमेर पत्रिका अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2017 के प्रथम सत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र गुरुवार से वितरण केंद्रों पर मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट प्रथम सत्र का परिणाम 11 अप्रैल को जारी किया था। प्रथम सत्र की परीक्षा में 183,556 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से महज 64,824 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। रीट समन्वयक मेघना चौधरी ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अभ्यर्थी अपना नामांक दर्ज कर अपने प्रमाण पत्र वितरण केंद्र की जानकारी ले सकते हैं। वितरण केंद्रों पर प्रमाण पत्र 26 अप्रैल से 31 मई तक उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र अजमेर स्थित रीट कार्यालय से मिल सकेंगे। रीट प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र एवं स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति के साथ ले जानी चाहिए होगी। जी दोस्तों, आपको अपने साथ एक तो आपका मूल पहचान पत्र ले जाना है और एक स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति, यानी आपके पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड की फोटो कॉपी करके आपको उसे स्वयं प्रमाणित यानी अपने हस्ताक्षर करके अपने साथ ले जानी है। अभ्यर्थी के स्वयं वितरण केंद्र पर नहीं आने की स्थिति में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अभ्यर्थी एवं स्वयं का पहचान पत्र लाना होगा। यदि दोस्तों आप अपने किसी दोस्त के द्वारा अपना प्रमाण पत्र मंगवाना चाहते हैं तो आप उसे अपना आधार कार्ड और जो अपना पहचान पत्र है वो भी देंगे और साथ में उसे भी अपना पहचान पत्र और आधार कार्ड ले जाना जरूरी है, तभी उसे आपका जो ये है वो प्रमाण पत्र मिल सकेगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।